अब बिहार से नेपाल जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जब मन हो तब आप पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू घूमकर आ सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार बोधगया से एक स्पेशल बस सेवा शुरू करने जा रही है, जो पटना होते हुए काठमांडू तक जाएगी। इसके लिए दोनों देशों के बीच सहमति भी बन गई है। दोनों रूटों पर 8 बसें चलेंगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए परमिट जारी करने की मंजूरी दे दी है। नेपाल सरकार भी जल्द ही परमिट जारी करने वाली है। काठमांडू के साथ ही सीता की जन्मभूमि जनकपुर तक की बस सेवा शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि यह बस 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम PPP मोड में नेपाल के काठमांडू और जनकपुर के लिए बस सेवा शुरू करेगा। खास बात यह है कि 44 सीटों वाली यह बस पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। बस के किराए की बात करें तो बोधगया से काठमांडू 1200 रुपए और पटना से जनकपुर का किराया 400 रुपए हो सकता है। बोधगया से काठमांडू जाने वाली यह बस सुबह 10 बजे खुलेगी, जो गया, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल और वीरगंज होते हुए अगले दिन सुबह 7 बजे काठमांडू पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह बस रात 8 बजे काठमांडू से निकलेगी और अगले दिन शाम 4 बजे बोधगया आएगी। उधर पटना से हर रोज 3 बसें जनकपुर के लिए चलेंगी। पहली बस सुबह 4 बजे पटना से खुलेगी, जो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए 12:30 बजे जनकपुर पहुंचेगी। दूसरी बस दोपहर 3:15 बजे पटना से खुलकर रात 11 बजे जनकपुर पहुंचेगी। वहीं तीसरी बस रात 9 बजे खुलेगी, जो सुबह 5:30 बजे आपको जनकपुर पहुँचा देगी। जनकपुर से वापसी में पहली बस सुबह 7 बजे खुलेगी, जो पटना दोपहर 2:15 बजे आएगी। दूसरी बस सुबह 9 बजे है, जिससे शाम 4:30 बजे आप पटना आ जाएंगे। तो वहीं तीसरी बस रात में 8 बजे आपको मिलेगी। यह बस देर रात 2 बजे पटना पहुंचेगी। आपको बता दें कि अब तक बिहार से कोई अंतर्राष्ट्रीय बस नहीं थी। लोग काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे ही ध्यान में रखते हुए भारत और नेपाल के बीच यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।